बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, सर्टिफाइड सक्सेस कोच, सर्टिफाइड ट्रेनर और सीईओ करो मुमकिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कैसे हैं जी आप लोग? अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो अल्लाह की रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और रमज़ान की जो बरकतें हैं उसको समेट रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग मशहूर ज़माना शोहरा आफाक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल रिटन बाय डॉक्टर स्टीफन आर कोवे, उसका जो है वो रिव्यू पेश करेंगे। और उसमें भी जो 7 हैबिट्स में से पहली हैबिट डॉक्टर स्टीफन आर कोवे ने प्रेजेंट की है, दैट इज़ बी प्रोएक्टिव, उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर स्टीफन आर कोवे कहता है कि बी प्रोएक्टिवनेस या पेश अमली ये है कि जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उस गलती को मानकर और उसे दुरुस्त करें। ये आदत जो है, ये आदत हमारे नताइज, हमारे रवैये और हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोएक्टिव या पेश अमल लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ वाक़ियात की ज़िम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। पेश अमली लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ मामलात का कसूरवार जो है वो किसी और को नहीं ठहराते, वो आगे बढ़ते हैं और ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, और ज़िम्मेदारी कबूल करने के बाद वो अपनी गलती को मानते हैं और गलती को मानने के बाद उसमें इस्लाहात करते हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरी किस्म के लोग हैं, जो कि रिएक्टिव लोग होते हैं, वो हर मामले का कसूरवार बाहर की चीज़ों को ठहराते हैं, वो हर चीज़ पर इल्ज़ाम जो है वो दूसरों को देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर होने वाले हर मामले का कसूरवार जो है वो दूसरों को ठहरा सकें। हम अपने पेरेंट्स को इल्ज़ाम दे सकें, हम अपने माहौल को इल्ज़ाम दे सकें, हम लोग अपने जीन्स को इल्ज़ाम दे सकें, हम हुकूमतों को इल्ज़ाम दे सकें, हम मुआशरे को इल्ज़ाम दे सकें। पेश अमली लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि वो मामलात जो मेरे कंट्रोल में हैं, वो मामलात जो मुकम्मल तौर पर मेरे अख्तियार में हैं या वो मामलात जो जुज़वी तौर पर मेरे अख्तियार में हैं, पेश अमली लोग उन पर अपना वक्त और अपनी एनर्जी जो है वो वहाँ पर लगाते हैं। इसके मुकाबले में जो रिएक्टिव लोग हैं, रद्द अमली लोग हैं, वो अपने मामलात जो हैं वो सर्कल ऑफ कंसर्न के ज़ेर तहत उन मामलात पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उन मामलात पर अपना वक्त गुजारते हैं जिन में हमारे अख्तियार के अंदर कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर हुकूमत ख़राब है, मिसाल के तौर पर मुल्क जो है उसकी मुआशी हालत ख़राब है, मिसाल के तौर पर मेरे मोहल्ले के लोग ख़राब है। पेश अमली लोग जो हैं वो जानते हैं कि वो अपने फ़ैसलों की बुनियाद पर बनते हैं, जबकि रद्द अमली लोग जो हैं वो जानते हैं, वो इस बात का यकीन रखते हैं कि वो माहौल की वजह से बनते हैं। इसलिए वो हर चीज़ पर जो है वो इल्ज़ाम माहौल को देते हैं, वो अपने से बाहर जो है वो जुहात तलाश करते हैं। वो ये समझते हैं कि वो अपने अल्फाज, अपने मामलात, अपने ख्यालात के ज़िम्मेदार नहीं हैं, जबकि पेश अमली प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि वो अपने मामलात, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्यालात, अपनी सोच के खुद ज़िम्मेदार हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोएक्टिवनेस लेके आने के लिए हमें सबसे पहले अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ये बात बताता है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे इख्तियार के अंदर है, जैसा कि मेरी सेहत है, मेरी तालीम है, मेरी ग्रोथ है, मेरी ज़िंदगी के अंदर आने वाले मुख्तलिफ चैलेंजेस का जो मुझे सामना करना पड़ेगा। तो हमें जो है वो सबसे पहले अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, देन हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो प्रोएक्टिवनेस की आदत जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। और जब ये आदत हमारे अंदर परवान चढ़ेगी तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आम लोगों से पुरअसर लोगों
سے جو ہے وہ مشابہت اختیار کرتی جائے گی. تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.